स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडेज टॉपिक इज कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर क्लास प्लस टू, क्वेश्चन नंबर 21 to 24। क्वेश्चन इज द कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रूपीज 1,20,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2013। द डिबेंचर आर पेबल बाय एनुअल ड्राइंग ऑफ रूपीज 40,000 कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर। How will you deal the discount on debenture? Show the discount on debenture account in the company ledger for the period of duration of debenture, assuming account are closed 31st March every year. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, डिबेंचर डिस्काउंट को किस प्रकार से राइट ऑफ किया जाएगा, इसकी स्टेटमेंट करनी है आपने, स्टेटमेंट शोइंग द डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 21, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ 1,20,000 का 6% दैट इज 7,200। तो ये 7,200 जो है टोटल डिस्काउंट आया, इस डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा, तो आपके पास स्टेटमेंट शोइंग डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ हमारे पास फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर मीन्स 2013 में, कि शुरू में हमारे पास डिवेंचर से 1,20,000 थे, अगले साल भी हमारे पास 1,20,000 के ही रहे, यानी कि 2014 की बात करें, 2015 में हमारे पास फिर 1,20,000 के ही रहे, 2015 के एंड में जब आपने पेमेंट करी तो 2016 में हमारे पास 40,000 की इंस्टॉलमेंट देने के बाद 80,000 बचे, और 2017 में हमारे पास ये 40,000 के बचे। फिर हम इसका रेशो बनाएंगे, तो रेशो 1, 2, 3, 3 और 3, तो टोटल हो गया आपका 12। रेशो बनाया आपने, रेशो बनाने के बाद किस प्रकार से इसको राइट ऑफ किया जाएगा, 7,200 टोटल डिस्काउंट है, 3/12 दैट मीन्स की 1,800, नेक्स्ट ईयर भी 7,200 को 3/12 दैट इज 1,800, नेक्स्ट ईयर फिर 7,200 3/12 1,800 7,200 2/12 that is 1,200 और इसी प्रकार से 7,200 into 1/12 that is 600। तो इस प्रकार से जो है टोटल डिस्काउंट जो आपका आया वो 72,000, किस प्रकार 7,200 किस प्रकार से जो है इसको राइट ऑफ किया आपने वो आपने दिखाया। तो ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, टाटा टी लिमिटेड इशूड 6,000 12% डिबेंचर ऑफ रूपीज 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% 1 अप्रैल 2013 द डिबेंचर वर रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट ऑफ रूपीज 2,00,000 स्टार्टिंग फ्रॉम 31st March 2015 शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो किस प्रकार से जो है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ बनाया जाएगा, इसमें टोटल डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 में किस प्रकार से किया जाएगा, तो 6,00,000 का 6% दैट इज रूपीज 36,000 को जो है वो राइट ऑफ करेंगे आप, और स्टेटमेंट शोइंग डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ फर्स्ट ईयर में, यानी कि 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 और 2017 में किस प्रकार से इसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो आपकी शुरू में 2013 में आपके पास 6,00,000 के थे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, फिर 14 में फिर 6,00,000 के ही रहे, और 15 में भी आपके पास 6,00,000 के ही रहे, परंतु जब आपने एनुअल इंस्टॉलमेंट 15 में दे दी तो आपके पास 16 में जो है ये 4,00,000 के रह गए, 2,00,000 की इंस्टॉलमेंट दी, और फिर 2017 में भी आपके पास 2,00,000 के रह गए। तो डिबेंचर डिस्काउंट को आपने पहले रेशो बनाना है 1, 2, 3, 3 और 3, जब इसको आपने टोटल किया तो आपके पास 12 आ गया। तो 12 को आप किस प्रकार से इसको आप बांटेंगे, तो 36,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 दैट इज 9,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर भी 36,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 दैट इज 9,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर भी 36,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 दैट इज 9,000, और इसी प्रकार से 36,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 दैट इज 6,000, और लास्ट ईयर 36,000 डिवाइड बाय 12
इंटू वन दैट इज 3000। तो टोटल डिस्काउंट जो आपका वो 36000 जो है वो किस प्रकार से राइट ऑफ हुआ, तो ये था स्टेटमेंट शोइंग डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, लोस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अंदर ताजा टी लिमिटेड इशूड 20,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द कंडीशन दैट द सेम विल बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ दिस डिवेंचर, ऑल्सो प्रिपेयर लोस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो किस प्रकार से डिवेंचर को रिडीम किया जाएगा और 5 साल के बाद 10% प्रीमियम के साथ, तो किस प्रकार से इसको आप करेंगे, तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जब हम डिवेंचर को इशू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट एबी टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसके लिए डिस्काउंट पर इशू किया आपने इनको, तो आप सभी जानते हैं कि आपके पास 20,000 डिवेंचर्स थे जिनको आपने 10% डिस्काउंट मतलब ₹90 के हिसाब से इशू किया। तो इशू करने का मतलब है कि आपको 18 लाख जो है वो प्राप्त हुआ, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट का पैसा आपको मिलता नहीं है। तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन 18 लाख को आपने ट्रांसफर किया, 20 लाख के डिवेंचर हैं और रिडम्पशन के टाइम में आपने 10% प्रीमियम देना है 2 लाख, तो आपको टोटल लॉस हुआ वो हुआ 4 लाख का, जिसमें 2 लाख का डिस्काउंट और 2 लाख जो आपने प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर देने हैं वो टोटल हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री करी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बीइंग डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट एट 10% एंड रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो इस प्रकार से आपने इसकी नरेशन लिखी। फिर एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपने इनको जो है रिडीम किया, जब आपने इनको रिडीम किया तो आपने एंट्री करी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20 लाख प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू डिवेंचर होल्डर टोटल डिवेंचर होल्डर को आपने पेमेंट करी 20 लाख की, और फिर बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन फिर आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी एट द एंड ऑफ 5th ईयर दैट इज 20 लाख, 22 लाख और 22 लाख। इस प्रकार से आपने पेमेंट करी 22 लाख और 22 लाख की बीइंग डिवेंचर रिडीम एट ए प्रीमियम। उसके बाद हर साल जो आप स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो टोटल लॉस कितना हुआ, जिसके लिए आप इसका अकाउंट से आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि अकाउंट बनाने को बोला इसमें कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और डेट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट ईयर में 2 डिवेंचर अर्थात दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि जो आपको लॉस हुआ वो 2 लाख का हुआ, जो डिवेंचर डिस्काउंट का था और प्रीमियम का आपको 2 लाख था, तो टोटल जो आपका था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वो था 4 लाख। 4 लाख को आपने राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके लिए आप सभी जानते हैं 5 साल में राइट ऑफ करना था। इसका मतलब है कि 5 साल में जब इसको आप राइट ऑफ करेंगे तो हर साल जो है वो 80,000 जो है वो राशि ट्रांसफर होगी, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया कैसे, 4 लाख को आपने 5 से डिवाइड किया, 4 लाख को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास हर साल जो है 80,000 आया। तो इस प्रकार से आपने इसको दिखाया, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आपके पास बचा 4 लाख में से इसको कटाया तो आपके पास 3,20,000 बचा, आपने सामने 4 लाख और 4 लाख आपस में बराबर। तो उसके बाद आप सेकेंड ईयर के शुरू में 2 बैलेंस ब्रो डाउन ले जाएंगे, 2 बैलेंस ब्रो डाउन आपके पास बचा 3,20,000, फिर आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर किया 80,000, फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन आपके पास बचा, और बाय बैलेंस कैरी डाउन जो आपके पास बचा वो बचा जी, इसमें से आपने इसको माइनस किया तो आपके पास 2,40,000 बच गया, तो 2,40,000 आपने सामने आपने इसका टोटल किया तो 3,20,000 और 3,20,000, फिर इस 3,20,000 को आप फिर लेके थर्ड ईयर में 2 बैलेंस ब्रो डाउन, तो 2 बैलेंस ब्रो डाउन आपके पास बचा, वो बचा था 2,40,000, फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर किया और वो ट्रांसफर किया आपने 80,000, आपके पास बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000, आपने सामने टोटल किया तो 2,40,000 और 2,40,000, 2,40,000 एंड 2,40,000, फिर आपके पास फोर्थ ईयर में इसको आप बोल सकते हैं 2 बैलेंस ब्रो डाउन बचा
और टू बैलेंस प्रूव डाउन बचा आपके पास 1,60,000। 1,60,000 को आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में फोर्थ ईयर में जो ट्रांसफर किया तो आपने इसकी एंट्री करी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट 80,000। फिर आपके पास बैलेंस बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन और आपके पास बचा 80,000। आपने सामने 1,60,000 और 1,60,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप इसको फिफ्थ ईयर में लेंगे, फिफ्थ ईयर में टू बैलेंस फ्लो डाउन और ये आपके पास बचा 80,000। और फिफ्थ ईयर के एंड में अर्थात दूसरे शब्द में आपने इसको बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना जी 80,000। और आमने सामने जो है वो टोटल आपने 80,000 और 80,000 कर दिया आप उसका टोटल जो आपस में बराबर कर दिया 80,000 एंड 80,000। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्काउंट डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ जब रिडम्पशन जो है फॉल इन द नेक्स्ट ईयर टू पॉलीपाइप लिमिटेड इशूड 2,10% डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2015 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रीपेबल इन एनुअल ड्रॉइंग ऑफ ₹50,000 ईच ऑन 31st March एवरी ईयर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर द कंपनी क्लोज द बुक्स 31st December एंड ऑल्सो प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट दैट मीन्स की इसमें जो नेसेसरी लेजर अकाउंट है वो डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ वही है। तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 में द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ 2 लाख का 5% दैट इज 10,000 ये तो आपका डिस्काउंट आएगा। तो हमने स्टेटमेंट शोइंग डिबेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ निकालनी, इसमें हम सबसे पहले कॉलम ईयर का लेंगे, फिर अमाउंट यूज का लेंगे, फिर मंथ फॉर विच जो अमाउंट यूज हुआ, फिर हम प्रोडक्ट लेंगे, इसका प्रोडक्ट होता है अमाउंट इनटू पीरियड होता है, फिर हम रेशियो निकालेंगे इसका, फिर अमाउंट टू बी डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो सबसे पहले हमारे पास 2011 में शुरू में अप्रैल में 2 लाख के डिबेंचर थे तो इसका मतलब है कि 9 महीने ये यूज हुए, 9 मंथ का मतलब है कि अमाउंट फॉर मंथ फॉर विच अमाउंट जो यूज हुआ 9 मंथ यूज हुआ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, अब अगले साल भी आपने मार्च में जाके इंस्टॉलमेंट दी तो इसका मतलब है अगले साल भी आपका 3 महीने यही यूज हुआ तो 3 महीने दैट मीन्स की जनवरी टू मार्च। फिर अगले साल जो है जब आपने मार्च में किस्त दी थी तो आपके पास 9 महीने 1,50,000 का यूज हुआ। फिर अगले साल 2013 की बात करें तो 1,50,000 जो है 3 महीने यूज हुआ, 3 मंथ यूज हुआ और 9 मंथ जो यूज हुआ तो आपके पास 1 लाख यूज हुआ। इसी प्रकार से अगले साल की बात करें तो आपका 1 लाख जो है वो 3 महीने यूज हुआ और 9 मंथ जो अगले 9 मंथ है वो आपका 50,000 यूज हुआ और अगले साल आपके पास जो है वो 50,000 का बच गया। तो किस प्रकार से जो है इसका आप पहले प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास है 18 लाख, इसी प्रकार से ये आपके पास आया 6 लाख और ये आपके पास आया 6 को 15 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 13,50,000। इसी प्रकार से अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4,50,000 और 10 लाख को 9 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 9,50,000 और इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 3 लाख और अगर 9 मंथ से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको पास है 4,50,000 और इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको पास है 1,50,000। अब इनका अलग अलग आप रेशो बनाएंगे, इसको जोड़ के इनका रेशो बनाएंगे तो रेशो बनाएंगे तो ये आपके पास 1 आया यानी कि 15 से, ये आपके पास 5 आया, फिर आपके पास ये आपका 1,35,000 आ गया। तो 1,35,000 को आपने जब 5 से डिवाइड किया और ये आपके पास आया इसको आपने डिवाइड किया तो ये 12,39। तो इस प्रकार से जब आपने इसको जोड़ा तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आया 40, ठीक है जी। और फिर आप इसका रेशियो निकालेंगे अर्थात टोटल डिस्काउंट है 10,000 को 40 से डिवाइड करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना है जी 3,000। इसी प्रकार से 10,000 को आप 40 से डिवाइड करेंगे और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे साल आपका डिवेंचर डिस्काउंट आया 3,250। अगर थर्ड ईयर की बात करें तो 10,000 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आया 2,250।
इसी प्रकार से 10,000 को आप 40 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आया 1250। इसी प्रकार से 10,000 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आएगा 250 और टोटल डिस्काउंट आपके पास आएगा 10,000। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।